ये कहना गलत नहीं दैट कल्कि 2898 एडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। इस कहानी को महाभारत से पिरोकर 29th सेंचुरी में सेट करना अपने आप में ही काबिल तारीफ है। बट इंडिया में आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच के फासले में कई फिल्में डूब गई हैं, आदि पुरुष, रावण फॉर एग्जाम्पल। बट हेयर डायरेक्टर नाग अश्विन एनश्योर्स की कल्कि स्टेज ट्रू एंड ऑनेस्ट। इसका 180 मिनट रन टाइम डज बिगिन टू अनॉय, बट फिल्म को बचाते हैं उसके स्टनिंग विजुअल्स, शानदार वर्ल्ड बिल्डिंग, विंटेज अवतार में प्रभास एंड एन अमिताभ बच्चन दैट चैनल्स हिज एंग्री ओल्ड मैन। कल्कि इज द स्टोरी ऑफ काशी, 29वीं सदी का काशी ऑन अ वाटरलेस अर्थ जहां गंगा नदी भी सूख चुकी है। द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स, एक इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर जो आसमान में लटका हुआ है, रूल्ड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टायरल कॉल्ड सुप्रीम यास्किन, कमल हसन। पर जैसे ही साइंस आते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि आने वाला है, सम 80 और सुमिति, अ स्लेव फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, हैज टू रन टू सेव हर लाइफ एंड एन अनबॉर्न चाइल्ड। उनकी रक्षा कर रहे हैं द इमॉर्टल अश्वत्थामा और एक वाइल्ड कार्ड, काशी का एक बाउंटी हंटर भैरवा, जिसकी लॉयल्टी सिर्फ पैसे और अपने साथ है। द फर्स्ट हाफ ऑफ कल्कि इज ड्रैग्ड आउट, द डायरेक्टर टेक्स टू मच टाइम इन सेटिंग द वर्ल्ड एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट। नाग अश्विन की सबसे बड़ी भूल ये है कि आधे वक्त वो एक डिस्टोपियन एपिक बना रहे हैं जो महाभारत से जुड़ी है, और बाकी वक्त एक क्वर्की सुपर हीरो कॉमेडी जिसमें प्रभास हैं। जैसे ही स्टोरी कुछ सीरियसनेस की तरफ मूव करती है, द नैरेटिव अननेसेसरीली ड्रैग्स अस बैक टू भैरवाज एंटिक्स। शायद ये मार्केट की डिमांड्स रही हैं, बिकॉज एज हम सभी जानते हैं, फिल्मों को देखने तो ऑडियंस हीरो की वजह से ही आती है। बात हीरो की जाए तो इस फिल्म के सही हीरो जो हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। द फिल्म विल शो अ होल न्यू जनरेशन व्हाई दिस मैन रूल द सिनेमा स्क्रीन्स फॉर 3 decades एंड मोर। हिज फेरोसिटी एंड डेप्थ जंप्स ऑन टू द स्क्रीन। इस फिल्म में उनके किरदार का कट 8 feet है, पर उनकी अदाकारी का कद इससे कहीं ज़्यादा है। प्रभास भी अपने प्री बाहुबली अंदाज में नजर आए हैं, जिससे उनके फैंस काफ़ी खुश होंगे। कमल हसन और दीपिका पादुकोण के पास सैडली ज़्यादा कुछ करने को है नहीं परफॉर्मेंस वाइज, बट दे स्टिल मैनेज टू लीव देयर मार्क। फिल्म के छुपे रुस्तम हैं शाश्वत चैटर्जी, हु प्लेज द विलन कमांडर मानस विद ब्यूटिफुल ईज एंड मेनेस। काफ़ी लेटडाउंस भी हैं फिल्म में। अमिताभ बच्चन का डी एज लुक जो है काफ़ी ऑफ पुटिंग है। सेवरल लीप्स ऑफ लॉजिक इन द स्टोरी एंड द लव स्टोरी बिटवीन प्रभास एंड दिशा इज सो फोर्स्ड एंड अननेसेसरी। बट इन द एंड कल्कि इज अ ब्रेव फिल्म। ये ड्यून नहीं है, ये स्टार वॉर्स नहीं है, ये एक शुद्ध इंडियन फिल्म है जो इंडियन सेंसिबिलिटीज को लेकर इंडियन ऑडियंसेस के लिए बनाई है। दिस इज अ लेसन ऑन हाउ टू शो इंडियन कल्चर एंड इंडियन एपिक्स ऑन स्क्रीन। इनफैक्ट आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों के लिए एक लेसन है नाग अश्विन गिफ्ट टू इंडियन सिनेमा। ऐसे और रिव्यूज और वीडियोज के लिए, एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए हमारा चैनल देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोज़।